Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. Today in this video, we are going to continue our chapter number 6 of class 4th, which is teeth and digestion. In this video, we are going to discuss about types of teeth, which is on your book page number 60. Let's start types of teeth. Have you ever wondered why the teeth present in our mouth are different from each other? क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं, सेम क्यों नहीं होते? सो यही आज हम डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंट क्यों होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं. सम हैव अ पॉइंटेड टिप वाइल अदर्स हैव अ फ्लैट टॉप. कुछ की जो टॉप होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है यानी कि नुकीला होता है. बाकी किसका जो होता है टॉप कैसा होता है, वो फ्लैट होता है यानी कि चपटा होता है. ह्यूमन बींग्स हैव फोर टाइप ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स के कैसे होते हैं, चार टाइप के टीथ होते हैं, फोर टाइप के टीथ्स होते हैं. ईच टाइप परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन एंड हैज़ अ यूनिक शेप. सो जो भी टीथ होते हैं हमारे माउथ में, उनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, और उनकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है. द चीजल शेप टीथ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द जॉ आर कॉल्ड इंसीजर्स. जो चीजल शेप्ड टीथ होते हैं हमारे फ्रंट जॉ में, उन्हें हम कहते हैं इंसीजर्स. चीजल शेप्ड मतलब छेनी के जैसे आकार के जो टीथ होते हैं हमारे फ्रंट जॉ में, उन्हें हम कहते हैं इंसीजर. दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड. ये किस में हेल्प करते हैं, हमारे को खाना काटने में और उसको बाइट करने में हेल्प करते हैं. वी हैव फोर इंसीजर्स इन द अपर जॉ एंड फोर इन लोअर जॉ. हमारे चार इंसीजर्स होते हैं अपर जॉ में. आपको पता है दो जो होते हैं, एक अपर जॉ एक लोअर जॉ. तो अपर जॉ में भी चार इंसीजर्स होते हैं और लोअर जॉ में भी चार इंसीजर्स होते हैं. एडजस्टिंग टू द इंसीजर आर द कैनाइंस. और इंसीजर्स के ही जस्ट बगल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमारे दूसरे टाइप के टीथ जिन्हें हम कहते हैं कैनाइंस, वो हमें देखने को मिलते हैं. दे आर पॉइंटेड एंड शार्प. ये कैसे होते हैं, ये नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, इनके नुक निकली होती है, थोड़े से पॉइंटेड होते हैं ये और शार्प होते हैं. दे हेल्प इन टीयरिंग फूड. ये हमारे को क्या करते हैं, फूड को फाड़ने में, टीयर करने में हेल्प करते हैं. देयर आर टू कैनाइंस इन ईच जॉ. क्या होते हैं, दो कैनाइन होते हैं ईच जॉ में, अपर जॉ में भी दो और लोअर जॉ में भी दो कैनाइंस. The teeth next to the canines are the premolars. और canines के just बगल में क्या होते हैं, हमारे third type of teeth होते हैं जिन्हें हम कहते हैं premolars. क्या कहते हैं, premolars. They have ridges on the top. इनकी क्या होती है, ये ridges होती हैं top में. These are flat and broad teeth. ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं और चौड़े teeth होते हैं, flat और broad teeth होते हैं. दे हेल्प इन क्रशिंग एंड च्यूइंग द फूड. ये किसमें, फूड को क्रश करने में और उसको चबाने में हेल्पफुल रहते हैं. ईच जो हैज़ फोर प्रीमोलर्स. ईच जो में मतलब जितने भी हमारे अपर जो है और लोअर जो है, उसमें कितने प्रीमोलर्स होते हैं, फोर प्रीमोलर्स होते हैं. ऑल राइट, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ टीथ इन आर माउथ, विच इज मोलर्स. The teeth located next to premolars are molars. So premolars के जो बगल में हमारे teeth होते हैं, पास में जो teeth होते हैं, उन्हें हम कहते हैं molars. They are the largest teeth in the mouth. ये हमारे mouth का सबसे largest teeth होता है. They are flat and sharp ridges on the top. ये flat होता है, उसकी जो ridges होती है वो कैसी होती है, वो sharp होती हैं. दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड. इनका भी काम क्या होता है, क्रश करना और ग्राइंड करना फूड को. मतलब अच्छे से हम क्या करते हैं, यहाँ तक आते आते जो फूड होता है ना, उसको क्रश करने का काम रह जाता है. मतलब उसको बिल्कुल क्रश कर देते हैं. आगे जो इंसीजर्स होते हैं वो काटते हैं, कैनाइंस फाड़ते हैं, प्रीमोलर और मोलर्स क्या करते हैं, ये ग्राइंड कर देते हैं पूरे खाने को अच्छे तरीके से. मोलर्स आर द मोस्ट पावरफुल टीथ एंड कैन अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एनी फूड आइटम. जो मोलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत
पावरफुल टीथ होते हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किसी भी फूड आइटम पर। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हमारे अपर जॉ में और लोअर जॉ में कितने मोलर्स होते हैं? 6 मोलर्स होते हैं दोनों जॉ, ईच जॉ में। द थर्ड पेयर ऑफ द मोलर इज़ नोन एज विजडम टीथ। और जो थर्ड पेयर होता है मोलर्स का, उन्हें हम कहते हैं विजडम टीथ। ऑल राइट, जिसे हम कहते हैं अकलदार विजडम टीथ, तो उन्हें हम जो मोलर्स का ये थर्ड पेयर होता है वो क्या कहलाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। सो थैंक यू सो मच।